लैपटॉप तो वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। ताकि स्टार्ट करूं। तो चलें, आज जुमा है, पहले सारे जो हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑटोप्सी। पहला लेक्चर है ऑटोप्सी का, टोटल दो लेक्चर्स होंगे आपके, एक आज एक कल ऑटोप्सी का। तो ऑटोप्सी का भी वेटेज जो है वो लॉ के इक्वल ही है, 5 MCQs आने हैं ऑटोप्सी में से और 1 SCU 5 नंबर आने, यानी 10 मार्क्स यूनिवर्सिटी पेपर में आउट ऑफ 90 जो रिटर्न पेपर होगा वो होगा ऑटोप्सी। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि ऑटोप्सी होता क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो ऑटोप्सी, पहले फिर से आप ना नाम की तरफ गौर करें, किसी को कोई आइडिया है ऑटोप्सी क्या होती है? सुना हो कोई ऑटोप्सी का लफ्ज? हमने पोस्टमार्टम तो सुना हुआ है, इससे मिलता जुलता लफ्ज सुना हुआ है। पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी में इतना फर्क नहीं है, कुछ बुक्स में इसमें फर्क लिखा हुआ है लेकिन अक्सर बुक्स इन्हें सेम ही कहती हैं, ऑटोप्सी भी होता है और पोस्टमार्टम भी होता है। आप में से कोई बचपन में या फिर अभी भी CID और क्राइम पेट्रोल और ये एटसेट्रा जैसे ड्रामे देखता था तो उसने तो देखा होगा कि ऑटोप्सी और ये पोस्टमार्टम का तो उसे लाजमन पता होगा, ऑटोप्सी ना सुनाओ। तो पहले तो हम जाते हैं लफ्ज़ के लिटरल मीनिंग की तरफ कि वो होता क्या है ऑटोप्सी। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, काफी सर्टेन है ऑटो मतलब सेल्फ। और ये आगे वो होता है, क्या बनाता है, व्यू टू सी फॉर वन सेल्फ, ठीक है, यानी आप खुद किसी दूसरे का मायना कर रहे हैं लेकिन वो मायना कब कर रहे हैं, उसके मरने के बाद, हो गया। तो सी फॉर वन सेल्फ आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड ऑटोप्सी। ये इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी, ठीक है, समझने के लिए। अब इसकी आते हैं असल डेफिनेशन की तरफ, जो कि अगर आपको पेपर या फिर वाइवा में सुनानी पड़ गई तो ये है ऑटोप्सी की प्रॉपर ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑटोप्सी में दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स। एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें उसका एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन भी आ जाता है, यानी बाहर से आप पूरी बॉडी को देखेंगे कि उस पर कोई स्कार मार्क, ब्रूज मार्क, इंजरी मार्क, कोई डिसकलरेशन, कुछ भी, ठीक है। और इंटरनल एग्जामिनेशन, सारे विजराज को देखेंगे, कैविटीज को देखेंगे, जो 3 बॉडी कैविटीज हैं, प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, उनको देखेंगे, उनके अंदर देखेंगे कहीं हेमरेज, इंटरनल हेमरेज है या फिर कोई बुलेट है या फिर कुछ भी जिसकी वजह से उस बंदे की डेथ हुई, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप करेंगे वो कहेंगे कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पार्ट क्रिटिकल है, क्योंकि डेथ सैंपल हमें ये बताएंगे कि डेथ आया पॉइजनिंग की वजह से हुई या फिर किसी इंजरी की वजह से हुई, इंटरनल इंजरी की, या फिर किसी डिजीज एन्यूरिज्म की वजह से हुई, या फिर उस बंदे को कोई स्टैब है या फिर कुछ भी जिसकी वजह से इंजरी हुई, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है पॉइजनिंग की, और पॉइजन जो है वो खून में शामिल हो जाएगा, यूरिन में आ जाएगा, जो जो विजराज हैं वो डैमेज हो जाते हैं पॉइजन से, तो हार्ट के ऊपर उसके ना ब्रूजेज या फिर निशान नजर आ जाते हैं जिससे सर्टेन हो जाता है कि ये पॉइजनिंग का केस है। तो ऑटोप्सी की इस तरह पूरी डेफिनेशन बनी कि ऑटोप्सी इज द एग्जामिनेशन ऑफ द कॉर्प्स दैट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस बॉडी एग्जामिनेशन एंड आल्सो कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी फॉल प्ले एटसेट्रा, ठीक हो गया। ये है ऑटोप्सी की डेफिनेशन। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम मोर और लेस सेम चीज है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, बीच में मेरी आवाज कट रही हो या फिर साइड ना चेंज हो रही हो ना, मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, ऑटोप्सी होता क्या है? ऑटोप्सी
डायलॉग विद द डेड, ये चीज ना काफी ज्यादा एमसीक्यूज में या फिर इवन पास्ट पेपर में दो दफा ये सवाल आ चुका है कि हाउ इज ऑटोप्सी डायलॉग विद द डेड। अब ये आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बात हुई, डेड के साथ तो डायलॉग हो ही नहीं सकता, वो किस तरह बोलेगा, वो नहीं बोल रहा होता, लेकिन उसको देखने से, उसका इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन करने से हमें पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा मरा किस वजह से, इस बंदे की डेथ जो है वो नेचुरल है या फिर किसी ने इसका मर्डर किया या सुसाइड केस है, ठीक है, ये चीजें पता चलती हैं। तो ऑटोप्सी इज आल्सो नोन एज डायलॉग विद द डेड। अब आते हैं दूसरी बड़ी चीज की तरफ, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। ये दो दफा पास्ट पेपर में आ चुका है टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। जो ऑटोप्सी की डेफिनेशन है वो आमतौर पर बायोपसी में पूछी जाती है या फिर ऑस्पी में। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, किसी भी चीज के टाइप्स ना, उसकी कॉज पर्पस या फिर उसकी आगे इन दो की वजह से ही होती है ज्यादातर। तो ऑटोप्सी की जो टाइप्स डिफाइन की गई हैं बुक में वो एनआरए में भी है, शहबाज में भी है। अच्छा किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से शुरू में कि वो किस बुक का कौन सा चैप्टर है, एनआरए का चैप्टर 11 है और शहबाज चैप्टर 2, ये मिक्स बना हुआ है मेरा लेक्चर दोनों से। तो टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, ऑटोप्सी की क्या टाइप्स हैं, सबसे पहले टाइप से पहले हम पढ़ते हैं कि पर्पस क्या ऑटोप्सी का, उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइप्स होंगी। पर्पस ऑटोप्सी का या तो मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, मैनर का क्या मतलब होता है, आप एक चीज होती है मैनर, एक चीज होती है कोस और एक होता है मोड। आप ये तीन लफ्ज ना काफी ज्यादा सुनेंगे, इधर भी थैनाटोलॉजी में भी सुनेंगे और इसके अलावा जो है बाकी लॉ में भी सुनेंगे। तो मैनर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कॉज पे आ जाते हैं। कॉज का मतलब क्या होता है कि क्या चीज सबब बनी उसके मरने का, ठीक है। अब मतलब ये कि आप डेड बॉडी से कह रहे हैं कि किस तरह ये हुआ, किस चीज से वो मरा, ठीक है, आया वो स्टैब इंजरी है, आया वो फायर वुंड इंजरी है या फिर किस वजह से उसकी मौत हुई। तो दिस इज द कॉज। अब आ जाते हैं मोड पे। मोड का मतलब ये होता है कि उस कॉज की वजह से उस बंदे का कौन सा सिस्टम जो है वो फेल हो गया। अब आमतौर पर जो फोरेंसिक में सिस्टम डिफाइन किया गया वो तीन है, एक तो ये जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्फिक्सिया, दिस इज वन मोड ऑफ डेथ, ठीक है। दूसरा मोड ऑफ डेथ जो है वो है हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, आप उसे कह सकते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, दोनों हो सकता है। जो तीसरा मोड ऑफ डेथ है वो आता है, मेरे ध्यान से निकल गया, अच्छा खैर मुझे याद आता है तो मैं बता देता हूँ, मुझे भी नहीं ध्यान में आ रहा कि मोड ऑफ डेथ थर्ड कौन सा था। अगर आप हाँ ब्रेन फेलियर, ठीक है, एक है हार्ट, एक है रेस्पिरेटरी और एक है ब्रेन। ये तीन सिस्टम हैं जिनको कहते हैं मोड ऑफ डेथ, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, एस्फिक्सिया, दिस इज अ मोड ऑफ डेथ। सेकंड, अगर आपका हार्ट सिस्टम फेल हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल हो गया, तो सिंकपी, ठीक है, सिंकपी, इसको कहते हैं सेकंड मोड ऑफ डेथ। और थर्ड मतलब आपका ब्रेन डेथ हो जाए तो इसको कहते हैं कोमा, ठीक है। तो ये तीन हो गए मोड ऑफ डेथ, पहला एस्फिक्सिया, सेकंड कोमा एंड थर्ड सिंकपी। तो ये है मोड ऑफ डेथ। अब आते हैं मैनर की तरफ, जिसकी हम असल बात कर रहे थे। मैनर का मतलब ये है कि वो बंदा मरा कैसे है, ठीक है। कोर्स में तो हम ये पूछते हैं ना कि आपको कहाँ इंजरी हुई, ठीक है, दिस इज द कॉज। मैनर का मतलब होता है किस तरह से हुई, आया वो नेचुरल था, आया वो एक्सीडेंटल था, आया वो किसी बंदे ने उसके ऊपर जान के उसका मर्डर करना चाहा, तो ये है मैनर, ठीक है। कॉज में आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉज मतलब, अभी मैं आपको सारी इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। थर्ड है एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। अच्छा अब कुछ चीजें ये होती हैं कि ना उसके अंदर, सपोज करें एक टीबी का पेशेंट है, उसको टीबी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है 6 महीनों के लिए डॉक्टर ने, वो उसकी 6 महीने वो मेडिसिन प्रॉपर खाता है, लेकिन 8वें महीने उसकी टीबी से ही डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डॉक्टर कहते हैं यार टीबी का रेजिमेंट तो इसने पूरा किया था, क्या वजह हुई जो इसकी डेथ हो गई, क्या ये टीबी कोई और है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है जो बैक्टीरिया टीबी का,
या फिर ये कोई और वजह है, कोई और डिजीज थी, तो उसलिए वो उसका करते हैं मेडिकल ऑटोप्सी करेंगे ताकि उसका डायग्नोसिस निकाला जा सके। ठीक है, अब आता है फोर्थ पर्पस, मोड मैं आपको बता चुका हूं, मोड एंड रूल आउट द फॉल प्ले, कि किसी ने मर्डर किया तो पता चल जाए। अब सपोज कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं कि अगर आप उस बंदे को पॉइजन दे देना तो उसकी इतनी सुकून से मौत हो जाती है हार्ट अरेस्ट से कि ना उस बंदे को दर्द होता है, ना बाहर वालों को पता चलता है कि यार अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और ना वो चीज ट्रेसेबल होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत माइन्यूट ट्रेसेबल होती है। आर्सेनिक इस तरह का एक पॉइजन है, तो ये पॉइजन जो है इसको पता लगाने के लिए भी ऑटोप्सी करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना इस सब की एक एग्जाम्पल देता हूँ। हुआ ऐसे यार कि एक बंदा था, ठीक है, वो अपने जो बिजनेस पार्टनर्स है ना उनके पास मिलने गया, दो वो बिजनेस पार्टनर थे, तीन बिजनेस के ना पार्टनर थे, तो एक वो बंदा था जिसका नाम असद था। तो अब असद गया तो वो था मेजर शेयर होल्डर, तो अब वहां जाके जो उसके दोस्त हैं उन्होंने उनको उसको ड्रिंक दी, पी लो यार ड्रिंक पियो असद, तो असद ने वो पी, तो अगले दिन जो है वो असद की डेथ हो गई। ठीक है, अब ऑटोप्सी की गई तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कॉज क्या है। इसके अंदर कॉज ये होगी कि उसकी डेथ सपोज करें हार्ट अरेस्ट की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से होगी, तो दिस इज द कॉज। मैनर क्या होगा, मैनर मतलब उसकी नेचुरल नहीं हुई, कोई और वजह है, कोई पॉइजनिंग का केस है, पॉइजन मिला दिया था उन्होंने या फिर कोई और वजह। मोड क्या हुआ, हार्ट अरेस्ट सिंकोपी, दिस इज द मोड। ठीक है, और आपने डायग्नोसिस इसमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है कि ये फाउल प्ले ही था, किसी ने मर्डर कर दिया उस बंदे का। तो ये होते हैं ऑटोप्सी के पर्पस। तो बात चल रही थी हमारी कि टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी क्या होती है, तो उससे पहले मैं आपके ले आया कि पर्पस पहले हम समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टाइप्स होती हैं। अब चलते हैं टाइप्स की तरफ। वैसे तो तीन मेजर टाइप्स हैं ऑटोप्सी, एक है मेडिकल जो हमने पीछे पर्पस में पढ़ा था, टू रूल आउट द फाउल टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस। ठीक है, ये पीछे पड़ा है, एस्टेब्लिश डायग्नोसिस के लिए कौन सी टाइप होती है, मेडिकल ऑटोप्सी। मेडिकल लीगल और फोरेंसिक ऑटोप्सी जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है पाकिस्तान में खासतौर पर, मेडिकल तो इतनी नहीं है, वो होती है टू रूल आउट द फाउल प्ले, टू नो द मैनर कॉज एंड मोड ऑफ द डेथ। ठीक है, इसके लिए यूज होती है मेडिको लीगल या फोरेंसिक ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यूज होती है कि जहां पे खच्चा हो कि यार ये सुसाइड का केस है या फिर कोई और केस था, उसमें यूज होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो वो मजीद जो टाइप्स हैं जो मेजर नहीं है वो आती है मिनी ऑटोप्सी, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या लिम्ब ऑटोप्सी की जाती है, मतलब एक बंदा है उसका सिर्फ टांग जो है वो आप ऑटोप्सी कर रहे हैं उसकी। और अब आ गया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। मैंने शुरू में आपको बताया था ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है, ये दो एक साथ भी यूज किए जा सकते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये मतलब होता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस एग्जामिनेशन होता है, मतलब एक डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, आपने कोई उसको काटे बगैर, कोई इंसियन दिए बगैर उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो करेंगे उसको आप कहते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। वैसे दोनों में यूज होता है, आप दोनों भी कह सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। चलें अब इनकी डेफिनेशंस पे चलते हैं। ये है मेडिकल ऑटोप्सी, टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस इन केसेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, इन दिस केस द डॉक्टर डू अ मेडिकल ऑटोप्सी टू फाइंड आउट व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अब आते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल। अब ये देखें पिक में आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे बंदे का दिमाग है जिसके स्लाइसिस कटे हैं, ठीक है, ऑटोप्सी में वो स्टडी कर रहे हैं। तो डॉक्टर अब हुआ ये कि ये पेशेंट था डिमेंशिया का, एज थी इसकी 60 साल, 60 साल का एक पेशेंट था, वो आया इस डॉक्टर के पास। ठीक है, उसने कहा कि डॉक्टर साहब अब ना मुझे ना बातें भूलना शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी बात मैं भूल जाता हूँ, मैं हर बात के बाद ना भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बहुत ज्यादा आदत हो गई। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि यार ये मुझे लग रहा है डिमेंशिया का केस, ठीक है, तो काफी ज्यादा केसेस हो सकते हैं जिनमें डिमेंशिया हो सकता है डिजीज, वो मैं खैर आपको नहीं बता रहा अभी। तो डॉक्टर ने उसे खैर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी। वो फिर से आया 6 महीने बाद डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेडिसिन तो मैंने खा लिया लेकिन मेरी बीमारी कम होने की वजह ज्यादा हो गई,
अब डॉक्टर सोच में पड़ गया कि यार ऐसा क्या हो सकता है, अब उसने उसे दूसरी मेडिसिन दी। स्टिल वो एक साल बाद डॉक्टर के पास आया और वो ऑलमोस्ट जो था ना बिल्कुल करीब हो गया था कि उसे कुछ ना पता था ना कुछ समझ आता था और वो अबाउट टू डाई था। ठीक है, तो जब वो मर गया ना, डॉक्टर ने कहा यार ऐसी क्या वजह होगी कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हो कि मैं इसकी डायग्नोसिस ना समझ सका। तो डॉक्टर लेगा कोर्ट से स्पेशल परमिशन ऑर्डर, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे मर जाए तो डॉक्टर चलो यार कुछ नहीं होता, परमिशन ऑर्डर ना ही उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो देते हैं बॉडी के, इसका आप ऑटोप्सी करें चाहे किसी वजह से भी मारे किसी डिजीज से। तो डॉक्टर ले गए उसका, उसकी बॉडी लेगा डॉक्टर, ठीक है, उसकी ठीक है, तो वो पहले तो पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन कर लिया, अब उसने ब्रेन के स्लाइसेस काट के रखे और उसमें वो जब वो देख रहा है तो वो देख रहा है कि यार इसके अंदर जो है ना न्यूरॉन्स डेड हैं और काफी ज्यादा एरिया जो है ना वो डैमेज्ड है। अब उसने उसको फिर से देखा खोल के, तो आपने ना एक पहले लफ्ज सुना होगा शायद, अभी पढ़ा हो, मैड काउ डिजीज या स्पंजी फॉर्म एनसेफलोपैथी, ठीक है, तो उसको वो था जिसकी वजह से उस साल के अंदर बंदा मर गया। तब डॉक्टर को पता चला कि अच्छा ये वजह थी, इसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाने चाहिए, सपोज तब इसकी वो नहीं हुई थी डिस्कवरी, तो इस वजह से किसी भी डिस्कवरी के लिए जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना कर सके, ठीक है, ताकि उस बंदे की लाइफ नहीं बच सकी तो बाकी बंदों की लाइफ बचाई जा सके, तो मेडिकल ऑटोप्सी इज सोलली फॉर एजुकेशन पर्पजेस। सिर्फ और सिर्फ जब भी एजुकेशन पर्पज होगा, कोई चीज जाननी होगी, रिसर्च पर्पज होगा, आप करेंगे मेडिकल ऑटोप्सी। अब नेक्स्ट चलते हैं मेजर ऑटोप्सी, जिसको मेडिको लीगल फोरेंसिक ऑटोप्सी कहा जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ यही ऑटोप्सी होती है, ठीक है, आपके सारे कॉलेजेस में फोरेंसिक डिपार्टमेंट होंगे, वहां पे भी ऑटोप्सी होगी, आप अभी जाएंगे कॉलेज इंशाल्लाह खुल जाएंगे तो आप जाके देखेंगे ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में ये ऑटोप्सी मैंने आपको पहले भी बताया, इज टू रूल आउट द फाउल प्ले, कि इस बंदे की डेथ नेचुरल है या फिर किसी ने इसे मारा है, ठीक है, कॉज मैन ए टाइम मोड ऑफ डेथ इन परसुएंस ऑफ लॉ, ठीक है। फिर से लफ्ज की तरफ देखें, मेडिक लीगल मतलब मेडिकल ऑटोप्सी फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इज नोन एज फोरेंसिक ऑटोप्सी या फिर मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब जैसे बंदा मरा हुआ है तो ये पहले आके इसकी फोटो ले, बाद में इसको जाके इसकी ऑटोप्सी की जाएगी ताकि पता चल सके कि बंदा कैसे मरा। अब आती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, मेंटल स्टेटस किसी बंदे का देखने के लिए, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्टेटस एट द टाइम ऑफ डेथ। अब आप सोचेंगे कि यार टाइम ऑफ बंदा मर गया है तो उसका मेंटल स्टेटस कैसे देखेंगे, वो मतलब उससे तो सवाल भी नहीं पूछ सकते, साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जो फोरेंसिक साइकेट्रिक एक्सपर्ट होता है वो जाता है उसके रिलेटिव्स के पास, उसके दोस्तों के पास, उसकी फैमिली के पास, ठीक है, उनसे जाके पूछता है कि यार ये बंदा था ये छह महीने से, इसका करेक्टर कैसा था, ये इसकी आदतें कैसी थी, इसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया था मेजर, या फिर ये कुछ डिप्रेस था, ये कोई काम करता था, इसकी एक्टिविटी थी या नहीं थी। अब उससे वो नतीजा निकालेगा, इन्फर करेगा कि आया ये बंदा सुसाइड का केस है या फिर किसी ने जान के इसको सुसाइड का केस बनाया है। सपोज करें एग्जांपल देता हूँ, ऐसा हुआ कि ना एक एक बंदा था, ठीक है, उसको जो है उसको जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, जॉब से निकाल दिया तो वो जो है काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में आ गया, उसको कहीं जॉब मिली भी नहीं थी, लॉकडाउन था कोविड की वजह से हर जगह, तो वो जो है वो अपने आप को ना अकेला बंद करने लगा, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, एट द एंड आके उसकी खुदकुशी कर दी। तो यहाँ पे जो चीज इन्फर हो सकती है वो यही है कि ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन ही वाज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन ड्यू टू विच ही कमिट सुसाइड, ठीक है। तो ये हो गई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उस बंदे की, लेकिन ये आप इंफॉर्मेशन कौन लेगा, डॉक्टर खुद लेगा, इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा कि पुलिस जाके जैसे तफ्तीश करती है, इंक्वेस्ट करती है पुलिस, वो नहीं करेगी, डॉक्टर करेगा इस केस में स्पेशल, तभी ये ऑटोप्सी कहलाएगी, पुलिस वाला बंदा करेगा तो वो ऑटोप्सी नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन होगी या इंक्वेस्ट होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की तरफ। अब ये डेड बॉडी पड़ी है,
अब इसको आप बाहर से देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे एक स्कार मार्क नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो चेक कर रहा है, ठीक है, पालपेट कर रहा है या इंस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन उसने कहीं से इसको इंसिजन नहीं दिया, ठीक है, ना ही उसने कोई बॉडी कैविटी ओपन की, तो ये कहलाएगा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इन स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर। अब आती है बात लास्ट टाइप की, वो है मिनी ऑटोप्सी। अब ये हाथ पड़ा है किसी बंदे का, ऐसा हुआ है कि ना वो बंदा जो है उसका हाथ जो है वो काटना पड़ा, सपोज करो की वजह से गैंग्रीन थी हाथ पे, यहाँ पे तो शो नहीं है ना, हाथ पे जो है वो थी गैंग्रीन हो गई थी, ठीक है, मतलब यही गैंग्रीन, तो उसका हाथ काटना पड़ा कि यार पूरा ना बाजू वो यहाँ तक का हो गई थी, तो उसे यहाँ से काट दिया ताकि आगे ऊपर तक ना फैले, पूरी बॉडी तक ना फैले। तो अब इसका जो है किसी ने अगर करना होगा तो वो करेगा इसका मिनी ऑटोप्सी, ठीक है, ये बाजू ले जाएगा मेडिकल पर्पजेस के लिए, ये सिंगल बॉडी पार्ट का वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी करेगा, इसको काटेगा भी सही, अंदर से भी देखेगा कि क्या मसला हुआ है, गैंग्रीन का फैलाव किस तरह है। तो जिस भी ऑटोप्सी में किसी सिंगल पार्ट लिम्ब या ऑर्गन ऑफ बॉडी को स्टडी किया जाए वो कहते हैं मिनी ऑटोप्सी। तो कितनी टाइप्स हुई ऑटोप्सी की, टोटल 5 टाइप्स हो गई। पहली है मेडिकल ऑटोप्सी जो करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, दूसरी है मेडिको लीगल या फॉरेंसिक ऑटोप्सी जो करते हैं इन पर्सन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है, थर्ड हो गई फोर्थ हो गई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है, और फिर लास्ट हो गई ठीक हो गया, आपको ये समझ आ गई हो। चलो जी अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, यहां से सारी टाइप्स देख ली आपने, अच्छा अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरह। अच्छा इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में एक दो दफा आ चुकी है। आगे करते हैं हम दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ऑटोप्सी रूम एंड इंस्ट्रूमेंट। ऑटोप्सी रूम किस तरह का होता है, ऑटोप्सी होती किधर है, तो इसके लिए ना आप समझे, आप ना एक जिस तरह हम जाते थे ना स्कूल में ट्रिप में, खेबरा माइंस जा रहे हैं या फिर वहाँ मोहनजोदाड़ो जा रहे हैं या फिर भावलपुर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो समझेंगे आप ना, आपका मैं ऑटोप्सी रूम का ना वर्चुअल ट्रिप लेके जा रहा हूँ। तो ये है ऑटोप्सी का पूरा फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो ये है, ठीक है, ऑटोप्सी डिपार्टमेंट ये है। यहाँ से हम एंटर होते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अपनी जो बसेस हैं वो पार्क, ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं, जाके हम एंटर होंगे सबसे पहले रिसेप्शन, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन, वहां हम जाएंगे रिसेप्शन के बाद जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, सपोज करें कोई डेड बॉडी है वहां पे हम साथ साथ उसके चल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले उस डेड बॉडी की रजिस्ट्रेशन होगी, जो प्री एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल होता है, जो डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, फिल करने पड़ते हैं पुलिस की तरफ से और उसके वायसीन की तरफ से, वो ये लवाहिकीन की तरफ से वो साइन करते हैं, और उसका जो साइन है वो साइन रहता है फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और वो स्टोर किधर कर दिया जाता है, ऑटोप्सी रिकॉर्ड में। अब बॉडी को लाया जाता है एम्बुलेंस से उतार के ऑटोप्सी रूम में, ठीक है, और ये है ऑटोप्सी टेबल, यहाँ पे लिटा दिया जाता है। अब फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर आएगा, वो ऑटोप्सी करेगा, वो जो भी, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रूम होता है, स्टरलाइजेशन रूम होता है, ये जो है ना ये बना हुआ है, ये हर जगह नहीं इतना वो होता, कहीं पे सिर्फ ऑटोप्सी रूम होता है उसके अंदर सब घुसाया हुआ, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनर रूम साथ होता है बस। अब ये अलग जाके दूसरे रूम में होगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसके साथ पड़े होंगे फ्रीजर्स जहाँ पे डेड बॉडी स्टोर करते हैं, आगे जाके किचन होगा, स्टाफ किचन में होगा और एक मीटिंग रूम होगा। तो ये है पूरा फोरेंसिक डिपार्टमेंट का एक टूर कि इस तरह का होता है, उसमें ऑटोप्सी रूम होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन रूम होता है, उसमें फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर का रूम होता है, उसमें बाथरूम होता है और उसमें रेडियोलॉजी रूम होता है और उसमें कोल्ड स्टोरेज रूम होता है। ये चीजें तो होना मस्ट है, ठीक है, बाकी चीजें जो है वो कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती, बेस वो कितना एडवांस है। अच्छा
अब हम जाते हैं कि इसकी डिटेल्स की तरफ। ये देखो, ये पढ़िए एक ऑटोप्सी टेबल, ठीक है। इस तरह की ऑटोप्सी टेबल होती है, बंदे को ऐसे लिटाया जाता है, सर इधर होता है, ठीक है। ये बंदा लेटा पड़ा, मेरी ड्राइंग ऐसी है तो किसने, तो ये समझे बंदा लेटा हुआ है, तो ये है उसका सर, ठीक है। नीचे जो ये है, ये परफोरेटेड सरफेस है टेबल की, ठीक है, ताकि वहां से जो मटीरियल, जब वहां से जितना भी लिक्विड या खून ऊज आउट होता है वो चला जाए ड्रेन के थ्रू बाहर, ठीक है। ऊपर ये लगा हुआ होता है लाइट, टॉप्सी रूम की ये लाइट है। अब ये लाइट कौन सी होती है, स्पेसिफिक लाइट होती है, हम यहाँ पे जो है बल्ब या फिर जो एलईडी होते हैं वो नहीं लगा सकते, यहाँ स्पेसिफिक लाइट होती है, या तो कहते हैं कि ना वो संडे लाइट हो, या तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही हो, ठीक है। पहले इस तरह होती है टॉप्सी, बाद में उन्होंने कहा कि यार ये तो हम चीज जो है क्रोमियम प्लेटेड पैराबोलिक सिस्टम हुए होता है कि ना, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है सिस्टम नहीं समझ लें, एक पूरा इस तरह का सेटअप होता है जिसके अंदर लाइट्स लगी भी होती हैं और वो इधर भी होती हैं, इस तरफ भी होती हैं, इधर भी होती हैं, तो ये सारी लाइट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लगा वो है आइस ब्लू फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है, जिनके एटलीस्ट 90 ल्यूमन लगाने पड़ते हैं ताकि एनफ रोशनी हो ताकि हम ऑटोप्सी परफॉर्म कर सकें। तो ऑटोप्सी रूम की लाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑटोप्सी रूम और इसका सारा ऑटोप्सी का, लेकिन ये चीजें एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो ज्योमेट्रिकली अरेंज क्रोमियम प्लेटेड पैराबोलिक सिस्टम होगा या फिर आइस ब्लू फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होंगे। चलते हैं अगली चीज की तरफ, जो ऑटोप्सी रूम में होना लाजमी है, जो प्रोटोकॉल्स होना लाजमी है, वो है प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन कैसे होगी, स्टेरिलाइजेशन या तो डिसइंफेक्टेंट से होगी, ठीक है, या फिर यूवी लाइट से होगी। अब जो प्रोटोकॉल है वो तो ये होता है कि पहले डिसइंफेक्टेंट से सारा फ्लोर साफ करो, फिर यूवी लाइट से उसको डिसइंफेक्ट करो। लेकिन पाकिस्तान में जो ऑटोप्सी रूम होते हैं उनको आमतौर पर यूवी लाइट जो है वो नहीं करते यूज, शायद मेरे कॉलेज में नहीं करते, बाकी में करते हो, लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो है वो कर देते हैं। दूसरी चीज होती है वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए, वेंटिलेशन ना दो काफी किस्म की होती है कि विंडो खुली हुई है और एक विंडो इधर है दूसरी इधर है तो हवा यहाँ से यहाँ वेंटिलेट कर, लेकिन जो ऑटोप्सी रूम की वेंटिलेशन है वो इस तरह होती है कि नीचे जो है ये फ्लोर है, ठीक है, और ऊपर जो है ये सीलिंग है। अब हवा गुजरेगी यहां से यहां, ठीक है, ये है इसकी वेंटिलेशन, और ये वेंटिलेशन कहते हैं स्मेल खत्म करने के लिए या फिर कोई इनहेलेशन की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए डॉक्टर को या फिर जो वहां पे अटेंडेंट खड़े हैं उनको, तो ये होता है वेंटिलेशन। अब आ जाता है प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ्रीजर में। एक डेड बॉडी आई है, वो सबसे पहले एम्बुलेंस से उतरती है, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद उस डेड बॉडी को लेके जाया जाता है फ्रीजर में। फ्रीजर में उसे स्टोर किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने रेड पे लिखा हुआ है ना, ये सब एमसीक्यूज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, खासतौर पर ये दो तो लाजमन आते होते हैं। और पोस्ट ऑटोप्सी, जब उसकी ऑटोप्सी करके उसको स्टिच करके बंद कर देते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं एट -20 डिग्री सेल्सियस। पहले इस वजह से काम पे करते हैं क्योंकि हमने ऑटोप्सी करनी होती है, हमने उसके सारे सिस्टम देखने होते हैं, तो कोई चीज जो है वो मिस ना हो जाए, इस वजह से उसे कम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। जबकि बाद में ऑटोप्सी हो जाती है तब हमें खतरा होता है कि जो डेड बॉडी है वो गल सड़ ना जाए, उसमें प्यूट्रीफेक्शन ना शुरू हो जाए, इस वजह से उसको रखते हैं -20 पे। पहले मैं बता चुका हूँ मेटेलिक टेबल परफोरेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, वहां पे ना आप जाएंगे ना, आमतौर पर फोरेंसिक मेडिकल जो डॉक्टर होता है ना वो तो एज अ कह सकते हैं सुपरवाइजर वहां पे खड़ा होता है, जो असल काम कर रहे होते हैं वो वहां के अटेंडेंट कर रहे होते हैं। खैर, आप वहां पे खड़े होंगे ना तो आप एक एप्रन पहन के जाएंगे, या फिर वो जो एप्रन पहनते हैं ऑटोप्सी एप्रन कहते होते हैं उसे, या फिर ऑपरेशन ओटी किट पहन सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं, उसके ऊपर एप्रन पहन लो, तो वो पहन के जाएंगे आप ग्लव्स पहन के होकर के। आप सबसे पहले स्टीरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है, आपने बॉडी लिटाई, उसको वाई शेप इंसियन दिया या सिंपल इंसियन दिया, कल पढ़ेंगे इंसियन जो है। खैर, वो करके सारा प्रोसीजर करके ना आपने वापस स्टिचअप अटेंडेंट्स ने कर दिया, तो अब आपने ऐसा किया कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए हैं ना सारे, स्केल्पल हो गया, जो वो हो गया, नाइफ हो गई,
बाकी जितनी भी चीजें ब्लेड हो गया जो जो यूज किया आपने, तो वो जो है वो वापस ड्रिल हो गई, वो वापस आपने उसको स्टीरलाइजेशन करनी। अब स्टीरलाइजेशन का एक प्रोटोकॉल वो इस तरह है कि जब इंस्ट्रूमेंट सपोज करें आपने स्केल्पल यूज किया था तो इंस्ट्रूमेंट सारी हो गया, तो आपने उसे पहले ब्रश से साफ किया, आप नहीं करते, अटेंडेंट करता होता है ब्रश से साफ किया, लेकिन आपने सुपरवाइज करना होता है। ब्रश से साफ करके आपने उस इंस्ट्रूमेंट को डिप कर दिया 140 डाइल्यूट लाइसोल सॉल्यूशन में, ठीक है, लाइसोल एक डिसइंफेक्टेंट है, तो उसके अंदर आपने डिप कर दिया, फिर आपने उसकी ऑटोक्लेविंग की। ऑटोक्लेविंग एक मशीन होती है ऑटोक्लेव करने वाली, उस मशीन पे ना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, आप इंस्ट्रूमेंट रखे ना, आपने अक्सर हॉस्पिटल में भी वार्ड में देखा होगा अगर आप गए हैं तो, वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो वो गर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गर्म करने से उनका जो बैक्टीरिया होता है बाकी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो एक तौर पर वो डिसइंफेक्शन हो जाती है उनकी। लेकिन इसके लिए आपने ये तीनों स्टेप्स करने, खैर ये सारी चीजें एमसीक्यूज की थी, ऐसी की कुछ नहीं आता, ये आप देख लें, ये होता है स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज। इसके अंदर ना यहाँ डेड बॉडी जो है ये ट्रॉली में लेके आते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोलिक पंप लगाते होते हैं, उससे ऊपर करते हैं और इसको खोल के इसके अंदर डेड बॉडी रख के उसको स्लाइड करके डेड बॉडी को वापिस जब निकालना हो ऐसे ही निकालते हैं इसे, फिर ले जाते हैं। ये ऑटोप्सी टेबल है, साथ वॉश बेसन होता है वहां पे, तो वॉश बेसन होता है वहां पे, आपने हाथ वगैरह या फिर जो वो धो के ये जो बाकी होता है ये यहाँ पे देखें, एक प्रॉपर वो सिस्टम बना हुआ है आउट वो ड्रेनेज का, यहाँ से वो ड्रेन होके यहाँ पे ड्रेन हो जाता है सारा नीचे जो खून होता है या जितना भी गलती होती है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑटोप्सी की तरफ। ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑटोप्सी आप लोग करेंगे कब? आप लोग ऑटोप्सी करेंगे जब आप पास आउट हो जाएंगे और आरएचसी में जाएंगे, बीएचयू में तो नहीं अलाउड, आरएचसी में जाएंगे तो वहां पे कोई केस आएगा तो वहां पे किसी के साथ आप असिस्टेंट होके या फिर खुद बाद में किसी को अगर शौक हो डॉक्टर सालों के बनने का सीआईडी में, तो वो बाद में वो ऑटोप्सी वैसे करते हैं, आपको करनी पड़ेगी ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी करेंगे क्योंकि पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो है वो मोर और लेस सेम ही है। इसके अंदर पर्सनल आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए उस बंदे की, सपोज करें एक डेड बॉडी मिली है आपको, हाँ आप लोग ना मोहनजोदड़ो गए हैं डॉक्टर्स की टीम कि चलो यार यहाँ के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ कि यहाँ पे जितने भी वो हैं तारीखी चीजें वो निकालते हैं, कोई डेड बॉडी मिली तो वो डॉक्टर रख लेंगे वो ताकि उनका मायना कर सके। अब आपको वहां पे मिली एक डेड बॉडी, ठीक है, तो वहां पे उस डेड बॉडी की पर्सनल आइडेंटिटी, अब ये तो नहीं होगा उसका आईडी कार्ड साथ पड़ा होगा या फिर उस जमाने में आईडी कार्ड अगर होते भी हो तो ये नहीं होगा कि वो पड़ा होगा, लेकिन आप पर्सनल आइडेंटिटी कैसे पता लगाएंगे? आप उसके स्कल की शेप देखेंगे कि स्कल जो है उस बंदे का ये जो स्कल है, सॉरी अंडा बना दिया मैंने तो अच्छा खैर सपोज कर लो यार वैसे फिर भी अंडा ही बनना, मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा, तो जो स्कल है उस बंदे का उस स्कल से पता चलेगा कि ये अमेरिकन है, ये निग्रो था, या फिर ये जो है कोकेशियन है, एशियन है, या फिर मंगोलियन है, तो इस चीज से आप उसकी पर्सनल आइडेंटिटी बता सकते हैं। अब आएगा डिटरमिनेशन ऑफ कॉज ऑफ मैनर ऑफ डेथ। अब आप उसको जब साथ निकालते हैं ना तो आप देखते हैं कि ना छुरी जो है ना वो उसके रिब्स के अंदर फंसी हुई है, एक वो पुरानी छुरी, तो उससे पता चल जाएगा कि वो हार्ट स्टैबिंग का केस था, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ पता चलाएंगे, वो इस तरह पता चलाते होते हैं कि आप आगे थे एनाटोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि जब डेड बॉडी सही हो, प्यूट्रिफिकेशन हो रही हो, तब तो पता चला सकते हैं, जब वो ढांचा रह गया हो ना तो तब हम जो एज होती है उसका काफी कम पता चला सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ तरीके होते हैं, वो आप एनाटोलॉजी में जाके पढ़ेंगे अगर किसी ने डिटेल में पढ़ाई आपको। अब आएगा मोड ऑफ डेथ, कि मोड ऑफ डेथ क्या था, गहरी बात है हार्ट इंजरी, हार्ट स्टैबिंग था तो सिंकोपी होगा, और कोई भी पॉइजनिंग का पता चलाते, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये भी पास पेपर में दो दफा सवाल आ चुका है, पर्पज नहीं आता लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आता है, और डायलॉग विद द डेड आता है, तो दोनों का ना सेम ही आंसर होता है। डायलॉग विद द डेड ये होता है कि ना हु किल्ड यू, व्हाट वाज, हाउ वर यू किल्ड, ठीक है, तो वो कॉज आ गया, व्हाट ऑफ योर सिस्टम वाज फेल्ड, ये आ गया मोड आ गया, वाज इट नेचुरल और एक्सीडेंटल या फिर मर्डर या होमिसाइड केस था, तो ये आ गया मैनर।
तो इस तरह के जो है वो डायलॉग में सवाल वो लिखना होता है आपने, और उसको इन्हीं को ही डिफाइन करना होता है। डायलॉग भी डेट का सवाल जहाज में लिखा हुआ है, नारे में नहीं है, वो देख लीजिएगा। अब आती है एक चीज जिसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी? नाम से देखें, चेन मतलब चेन, जंजीर, लिंक। कस्टडी, कस्टडी का मतलब ये होता है कि किसी को हवाले में लेना, ठीक है। अब ये चेन ऑफ कस्टडी किसकी है? किसी स्पेसिमन की, किसी एविडेंस की, किसी की भी हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन टू इट्स प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट। अब आप गए एक सपोज करें आप पुलिस के साथ गए, पुलिस ने कहा कि आप जाके ना डॉक्टर साहब आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप ना वो जो कत्ल की जगह है ना वहां पे भी एक नजर देख लें। तो आप वहां पे गए, वहां पे आपने इनको स्पेसिमन इकट्ठे करके दिए, जो आपने दिए पुलिस को, पुलिस ने आगे पहुंचाने थे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, इन केस ऑफ पाकिस्तान, किसी भी फोरेंसिक लैब पहुंचाने थे। वहां से वो गए फिर आपके पास, वहां से वो फिर गए कोर्ट में। तो ये जो चेन बन रही है ना पुलिस, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, पुलिस फिर एग्जामिनर फिर लैब फिर कोर्ट फिर से पुलिस फिर कोर्ट फिर से पुलिस फिर कोर्ट, ये जो पूरी बन रही है ना, इनसे पुलिस से एग्जामिनर तक, से लैब से पुलिस से कोर्ट तक, इस पूरी को कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। इस चेन ऑफ कस्टडी में कोई इंटरवेन कर दे, अगर केडी पाठक कहीं से आ जाए और वो चुरा ले, और या फिर अगर शर्लोक आ जाए और वो अपने असिस्टेंट या किसी से निकलवा ले वो, तो ये जो चेन ऑफ कस्टडी है ना ये ब्रेक कर जाए, ठीक है। इसका जिम्मा किस पे जाता है? पुलिस पे, या जिसके पास उस टाइम हो स्पेसिमन। अब आता है स्पेसिमन कौन कौन से लेने हैं, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं टॉपसी के टॉपिक में? इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो स्पेसिमन होता है ना वो बहुत ज्यादा, पहले भी मैंने कहा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन किन किन लोगों के लिए होता है, कौन कौन से स्पेसिमन लेते हैं, ये जो है पास पेपर में काफी दफा आ चुका है कि व्हाट आर द स्पेसिमेंस टेकन इन ऑटोप्सी। ये एनआरए में नहीं मेंशन, पारिक में है थोड़ा सा और बाकी शबाज में है। तो ये है स्पेसिमन जो है वो केमिकल एग्जामिनर लेगा और पैथोलॉजिस्ट लेगा। केमिकल एग्जामिनर ये देखता है कि कोई पॉइजनिंग का केस तो नहीं, और पैथोलॉजिस्ट ये देखता है, हिस्टोपैथोलॉजी देखता है चीजों की। आपने हिस्टो पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, बहुत बकवास चीज है हिस्टो, खैर काफी बातें सुननी पड़ती हैं हिस्ट्री एग्जामिनर से उसके अलावा, लेकिन बाद में पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आती है, तब वो बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत फसूल लगती है। खैर वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट वो देखेगा, वो स्लाइड्स जो है वो देखेगा कि इसके अंदर क्या मसला है। तो ये जो दो स्पेसिमन्स है ना ये इन दो बंदों को जाते हैं, केमिकल एग्जामिनर को, एक पैथोलॉजिस्ट को। अब हम कहते हैं कौन से स्पेसिमन जाते हैं भाई, स्पेसिमन जा रहे हैं तो उस डेड बॉडी से कौन कौन से स्पेसिमन जा रहे हैं? हमने हर चीज काट के, चल यार एक उंगली की दे दो, एक जो है 5-6 बाल डाल दो, 2-3 दांत डाल दो, तो ये काम नहीं करना। स्पेसिफिक उसका प्रोटोकॉल होता है कौन कौन से स्पेसिमन भेजने हैं, ये है वो प्रोटोकॉल कि कौन कौन से स्पेसिमन लेने। टोटल ना 4 जार होते हैं, एक छोटा जार होता है और एक एम्प्यूल होता है। जो पहला जार होता है ना उसमें लेते हैं स्टमक को। अब स्टमक को किस तरह लेना है, आपने उस बंदे का स्टमक निकाला, उसको लेसर कर्वेचर से काटा, ठीक है, उसके कंटेंट्स विद स्टमक इसके अंदर स्पिल कर, ठीक है, स्टमक प्लस कंटेंट्स। दूसरा जार आपने लिया, उसमें राइट लोब ऑफ लीवर जिसमें गॉल ब्लैडर इंक्लूड होता है वो काटा यहाँ से बाकी लीवर से, और वो डाल दिया दूसरे जार के अंदर। इसके अलावा आपने किडनी डाल दी, ठीक है, और स्प्लीन डाल दी आधी या फिर पूरी, या फिर 2 किडनी भी डालते होते हैं अगर बच्चा हो, या फिर किडनी फेलियर का केस हो खास तौर, या फिर कोई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो उसमें। अब जो थर्ड जार होता है ना उसमें डलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कितनी डलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन अप टू 2 से 3 फीट तक डलती है। किसी को पता भी है टोटल होती कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन? चलो ये थोड़ी सी एक बात पूछते हैं, मैं बोली जा रहा हूँ, मैं जरा थक गया हूँ इसलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ ताकि मैं थोड़े दिन सुकून कर सकूँ। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ होती है टोटल, ये कोई बताएगा फीट में? चलो मीटर में बता देता हूँ,
हाँ 6 मीटर। अच्छा तो हम लेंगे इसके अंदर से सिर्फ 2 से 3 फीट, मतलब 1 मीटर जितनी ले लेंगे, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें डाल देंगे अलोंग विद इट्स कंटेंट्स, ठीक है। अब आती है बात कि यार ये खाली पानी भर के डाल देना इनको, ठीक है, ये तो खराब हो जाएंगे। तो उनको क्रंची क्रंची रखने के लिए सारे स्पेसिमेंट्स को हम यूज करते हैं प्रेजर्वेटिव्स, ठीक है। प्रेजर्वेटिव्स कौन कौन से यूज करते हैं वो भी जरूरी है, वो एमसीक्यू के लिहाज से बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो मैं अगले स्लाइड, मैंने इसलिए उसकी स्लाइड अलग बनाई है। जो फिफ्थ छोटा जार होता है उसमें यूरिन ले लेते हैं 100 से 2 ml, ठीक है, और ब्लड का एक छोटा सैंप्यूल ले लेते हैं 10 से 15 ml का। तो ये हो गए स्पेसिमेंट्स जो आप लेते हैं। ये पूरा पास्ट पेपर में 3 से 4 दफा सवाल आ चुका है, और बेशक इसके मैं स्लाइड भी शेयर करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स जो यूज होते हैं ना, वो यूज होते हैं कंडीशन के लिहाज से कि क्या कंडीशन है बंदे की, किस तरह मरा है। अगर बंदा तो पॉइजनिंग का केस है ना, तो उसके अंदर तो आमतौर पर सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं फॉर केमिकल एग्जामिनर, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गन ले रहे हैं केमिकल एग्जामिनर को भेजने के लिए, तो आप ये दो यूज करेंगे, या रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज कर लो 99% एथाइल अल्कोहल और 1% मेथाइल अल्कोहल, या फिर सेचुरेटेड सोल्यूशन यूज कर लो सोल्ट का। और जो थर्ड चीज होती है, जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को भिजवाते हैं, वो होता है फॉर्मलिन में डिप करके। एनेटमी में हमने फॉर्मलिन से काफी वास्ता रहा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोगों का, तो फॉर्मलिन में डिप करके भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को एमसीक्यूज पॉइंट, और केमिकल एग्जामिनर को रेक्टिफाइड स्पिरिट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में भेजते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट चीज की तरफ, अब आती है जो चीज, वो आती है ऑटोप्सी रूम के हैजर्ड्स। ये सवाल जो है, अब तक का टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, स्पेसिमेंस इन ऑटोप्सी और ऑटोप्सी रूम हैजर्ड्स, खास तौर पर ये हैजर्ड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में कई दफा आ चुका है, सवाल ना डिफरेंट करके आता होता है। या तो ये आता है कि ना पूरा पूछ लेंगे व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ ऑटोप्सी रूम दैट अ डॉक्टर फेस, या फिर ये पूछ लेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग या एक्वायरिंग एनी इन्फेक्शन इन द ऑटोप्सी रूम, ये सब लिख देना, या फिर केमिकल इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन के बारे में पूछ लेते हैं, रेडिएशन हैजर्ड के बारे में। तो ये सब एमसीक्यू भी है, पास्ट पेपर भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना। अब ऑटोप्सी रूम में आप एक डॉक्टर हैं, सपोज करें हम ना एक सिनेरियो लेके चलते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एंटर होते हैं ऑटोप्सी रूम में। ऑटोप्सी रूम में जैसे ही एंटर होते हैं ना, खुदा ना खासा आप नहीं, मतलब कोई और कोई भी जा रहा है, तो उसका पाँव स्लिप होता है और वहीं पे उसका लिम्फ फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी फ्लोर था, अभी अभी डिसइंफेक्टेंट को पोचा लगाया हुआ था किसी ने, या फिर पानी पड़ा हुआ था, उसे आप स्लिप होकर गिर जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आप स्केलपल या ब्लेड उठाते हैं उसको इंसिजन देने के लिए डेड बॉडी को, लेकिन वो गलती से आपके हाथ पे कट कर जाता है, ठीक है, और वो वहां पे तो मतलब डेड बॉडी का हाथ पे कट करना या हेपेटाइटिस सी और इसका पता हो या ना हो, तो ये काफी ज्यादा ना मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि ना, खासतौर ये अटेंडेंट के साथ होता है, कि वो फ्रीजर से निकाल लेते हैं डेड बॉडी और उसको रखना होता है ट्रॉली के ऊपर, जिससे लेके जाना होता है उसको ऑटोप्सी टेबल के ऊपर, वो निकाल लेते हैं तो उनकी कमर खींच जाती है या फिर स्प्रेन हो जाता है कमर में। और जो चौथी चीज होती है, वो होती है कि जब आप स्कल, किसी भी डेड बॉडी का स्कल जो है, उसमें ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ना, ताकि उसका जो ब्रेन है उसकी भी एग्जामिनेशन की जा सके, तो तब उसकी सॉ जो है वो क्या होता है, डस्ट जो है, बोन डस्ट जो है वो चली जाती है आपकी आंखों में, जो कॉर्नियल अल्सर बना सकती है, या फिर उसके अलावा भी वो कंजक्टिवाइटिस कर सकती है। तो ये चीजें हो जाती हैं जो आती हैं मैकेनिकल हैजर्ड, मैकेनिकल इंजरीज में। और मैकेनिकल का मतलब ये कि कोई फिजिकल इंजरी है, ठीक है, या तो फ्रैक्चर हुआ गिरने से, या फिर नीडल प्रिक, या फिर ब्लेड प्रिक हुआ है, या फिर बैक मसल स्प्रेन हुआ है, या फिर डस्ट चली गई है आंखों में, बोन डस्ट चली गई है, जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर या फिर कंजक्टिवाइटिस हो गया है, या फिर कोई और स्क्लेराइटिस हो गया, एटसेट्रा। खैर, अब आते हैं दूसरे हैजर्ड की तरफ, जो है बायोलॉजिकल हैजर्ड। ये मैंने एनआरए से निकली हुई है। जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होता है वो ये होता है
बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई और जो जर्म है या फिर पैथोजन है उसकी इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकती है कि आमतौर पर ना जो डेड बॉडी होती है ना, अगर उसकी बाद में पोस्टमार्टम करें तो उसके अंदर से बस खून जो है वो रस रहा होता है, ठीक है। तो वो अगर आप जो है गलती से आपको कहीं लग जाए या फिर उसके साथ आपका कहीं पे मतलब टच हो जाए तो तब जाके आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। या फिर कोई ऑर्गन है आप उसको जो है इंसियन दे रहे हैं और उस ऑर्गन के अंदर सपोज करें लिवर है या फिर बाइल है, वो है गॉलब्लैडर है, तो उससे बाइल जो है वो उसके साथ आपका जो है उसकी वजह से भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपके हाथ है आपके प्रॉपर ग्लव्स नहीं यूज कर रहे हैं, आप लोग ग्लव्स फटे हुए हैं या फिर कहीं के कपड़ों पे लग जाती है, एप्रन नहीं सही पहना हुआ, तो तब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है। या फिर टाइफाइड भी हो सकता है, सिर्फ टाइफाइड पैराटाइफाइड नहीं बहुत बाकी भी बीमारियां होती हैं वो भी हो सकती हैं। अब आते हैं वायरल इन्फेक्शन की तरफ। पहले मैंने बताया अगर वो नीडल प्रिक होगी, हेपेटाइटिस सी बी का खतरा हो सकता है, एड्स हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये सब आएगा बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में। अब आते हैं केमिकल हैजर्ड्स में। केमिकल हैजर्ड्स में डिसइंफेक्टेंट के हैजर्ड्स होते हैं, आयोडीन से आप फ्लोर साफ कर रहे हैं, फिनोल से साफ कर रहे हैं या क्लोरीन सॉल्यूशन से कर रहे हैं, तो वो जो है अगर आपको कहीं पे अगर वो, क्योंकि वो तो खासतौर पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है ना, तो वहां पे अगर आपको कहीं पर टच हो जाए वहां से बर्न इंजरी हो जाए अगर जरा तेज है फिनोल का, तो उस चीज का खतरा होता है केमिकल इंजरी का। जो फोर्थ है वो है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। अब इलेक्ट्रिकल बर्न्स इस वजह से आ सकते हैं कि आप समझें कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एक्सरे ले रहे हैं उस बॉडी का, तो जब आपने एक्सरे लिया ना तो एक्सरे की मशीन की जो तार थी ना वो नंगी थी और वो आपके हाथों को टच हो गई और आपको करंट लग गया, ठीक है। फिर आते हैं रेडिएशन, जो यूवी लाइट की बात हुई थी या फिर कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे मशीन से, उससे भी आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये जो ऑटोप्सी रूम हैजर्ड्स है ना, ये खासतौर पर डॉक्टर के लिए है कि व्हाट हैजर्ड्स डू अ डॉक्टर फेस इन ऑटोप्सी रूम, तो ये उसका पूरा आंसर बनता है। एक टेबल दिया हुआ है नारे में, बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने। अच्छा अब चलते हैं आगे, फोरेंसिक ऑटोप्सी का ना प्रोसीजर क्या होता है। तीन चीजें होती हैं जो फोरेंसिक ऑटोप्सी में करते हुए आती हैं। पहली चीज होती है प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी। एक डेड बॉडी आई है, उसके साथ एक पुलिस वाला बंदा आया है और साथ उस डेड बॉडी के दो बेटे आए हैं, ठीक है, डेड बॉडी को लेके उसकी पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी करवाने के लिए। तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन या रिसेप्शन डेस्क होगा वहां पे उस डेड बॉडी का नाम, या आप ना अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में भी देख सकते हैं या फिर नेट से भी कोई तस्वीर निकाल के कि फोरेंसिक ऑटोप्सी जो है उसके अंदर जो एक प्रॉपर फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ता है, जिस पुलिस वाले ने दिया उसको बताना पड़ता है, उसकी डेट बतानी पड़ती है कि कौन सा पुलिस वाला लाया, कौन कौन लवाहिकीन है, इस बंदे का नाम क्या है, डेट क्या है, कब ये डेड बॉडी आई, कब इसे वापस भेजना है, कब जो है इसका नंबर क्या है, ऑटोप्सी नंबर क्या है, इससे कौन कौन से स्पेसिमेंस लिए गए हैं, किधर भिजवाए गए हैं, ठीक है, डे टू टाइम क्या थी उस एग्जाम भिजवाने का, प्रोविजनल रिपोर्ट क्या है, जिससे पिकली आप क्या पूछ रही हैं तश्वीन, के एनआरआई से ही पिक ली, अगर आप ये पूछ रही हैं तो एनआरआई की पिक थी पिछली वाली हैजर्ड्स। अच्छा फिर प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट या रिपोर्ट बनाते हैं आप ऑटोप्सी, फिर जब फाइनल स्पेसिमेन आ जाते हैं उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करके लैब की तरफ से, तो तब आप फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है प्री और पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज में आती है। जो पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी होती है वो होती है ऑटोप्सी सर्टिफिकेट, ठीक है, बीच में आप करते हैं ऑटोप्सी। अब ऑटोप्सी में प्रॉपर ऑटोप्सी करेंगे, बंदा आएगा आपके पास, उसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिटेल में कल, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना वो कल पढ़ेंगे इसमें से। ऑटोप्सी में ये होता है कि डेड बॉडी आ गई है
आप फोरेंसिक एक्सपर्ट या मेडिकल एग्जामिनर हैं, आपने उस बंदे की अटॉप्सी करी। अब आप गए तो वो बंदा ड्रेस्ड है, आप उसको टेबल पे लेटा हुआ, आप उसको देखेंगे, उसके कपड़ों को देखेंगे कि वहां पे कहां कहां ब्लड के निशान है, कहां पे कपड़े फटे हुए हैं कि वहां से गोली गुजरी है या फिर कोई छुरी गुजरी है या फिर किसी और चीज है की वजह से उस बंदे की डेथ हुई है। फिर आप उसके कपड़े जो है ना वो काटेंगे, कपड़े काटे कैसे, कैंची से उसके कपड़े काटेंगे, ठीक है, और कपड़ों को ऊपर वो जो निशान है उसको मार्कर से मार्क कर देंगे और वो भिजवा देंगे उसके पास लैब में कि यार ये चेक करो कि कोई इसके ऊपर पॉइजन वगैरह के तो ट्रेसेस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि आप डेड बॉडी आपके पास नेकेड पड़ी हुई है पूरी, आप उसका एक्सटर्नल सर्फेस एग्जामिनेशन करेंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आप पहले देखेंगे माथे पे कुछ तो नहीं है, कोई स्कार मार्क इंजरी, इसी तरह ट्रंक पे देखेंगे, एब्डोमेन पे देखेंगे, पेल्विस पे देखेंगे, नीचे लिम्स पे देखेंगे, हाँ बाजुओं पे देखेंगे कि कोई जो है अपर लोअर लिम्स पे इंजरी है, कोई स्कार मार्क, कोई फायर आर्म इंजरी, कोई स्टैब इंजरी, परफोरेशन इंजरी, कोई पॉइजनिंग की वजह से डिस्कलरेशन हुई है उस बंदे की, एनीथिंग, वो आप सारी चीजें उसके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में देखेंगे। अब आएंगे आप उसके इंटरनल एग्जामिनेशन की तरफ। इंटरनल एग्जामिनेशन में ये आएगा कि आप देखेंगे कि उसके बॉडी के उसको वाई शेप इंसियन देंगे, इंसियन कल पढ़ेंगे हम, और इसके अंदर से जो ऑटोप्सी के अंदर से इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 4 से 5 से 6 पेजेस हैं, बल्कि 5-6 पेजेस हैं एनआरए के अंदर, आपने देखा होगा अपनी बुक में, तो वो जो है ना सारे फारिग, कुछ नहीं आता उनमें से, कुछ नहीं पूछते होते, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये आगे जाके आपको हेल्प करती हैं। मैं कल आपको बताऊंगा थोड़ी थोड़ी बातें जितनी आपको जरूरत होगी, बाकी इंसियंस वगैरह वो कल पढ़ेंगे, और एंड में एक बनाते हैं सर्टिफिकेट, जब आपको सब पता चल जाता है ना तब आप इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं। चलो अब हम ना एक इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बस लास्ट ही स्लाइड है। एग्जाम्पल ये है कि आप बैठे हैं अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं और एम्बुलेंस आई है, साथ पुलिस की एक गाड़ी आई है, तो एक डेड बॉडी आई है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किया, ठीक है, अब आपने उसका करना है पोस्टमार्टम। आप गए हैं अंदर, आपने देखा है कि एक बंदा है जो 30 साल का एक बंदा है, वो लेटा हुआ है, आप देखेंगे ब्लैक हेयर्ड है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे उसके कपड़ों को देखेंगे, तो आप देखते हैं कि उसका ना लेफ्ट साइड पे हार्ट के नीचे 2-3 गोलियां लगी हुई, जिस अब आप उसको क्योंकि वहां से ना कपड़ा फटा हुआ था, वहां पे सुराख था गोली का, तो आप उसे सर्कल कर देंगे, उसके कपड़े काट के उतार के रख लेंगे। अब आप देखेंगे उसका एक्सटर्नल सर्फेस, आप देखेंगे यार कोई और मार के इंजरी तो नहीं, क्या पता, मैं ये सोच रहा हूँ ये गोली से मारा, क्या पता पॉइजनिंग, किसे कल रात किसी ने पॉइजन कर दिया हो, पहले बाद में गोली से मारा हो, तो आप ये देखेंगे कोई डिस्कलरेशन, स्कार मार्क, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब उसमें देखेंगे। आप करेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन, आप वाई शेप इंसियन देंगे उसको, वाई शेप इंसियन दे के आप एक स्ट्रेट इंसियन देंगे स्टर्नम के, स्टर्नम से लेकर पेल्विस तक, और उसको ओपन कर देंगे, दोनों जो साइड है स्किन की उसको हटा देंगे, और वहां पे अंदर आप देखेंगे कि रिब केज हटाएंगे, अंदर ऑर्गन्स देखेंगे, बाकी सारी चीजें देखेंगे कि ठीक है, फिर आप देखेंगे उस जगह जहाँ गोली है ना वहां पे देखेंगे कि ये गोली, आप देखेंगे गोली जो है ना वहां से चलते चलते ना ऊपर की तरफ आ गई है, इससे पता चल जाएगा कि ना नीचे से गोली मारी गई है, जो नीचे उसका वो हुआ है उसके एंगल पे गोली थी और वो आगे आके ना हार्ट के एपेक्स को आके लग गई, ठीक है, तो वहां पे आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए और केमिकल एग्जामिनर के लिए स्पेसिमेन इकट्ठे करेंगे, वो भेज देंगे, अपनी प्रोविजनल रिपोर्ट बनाएंगे कि दिस इज अ केस ऑफ फायर आर्म इंजरी, मोस्ट प्रोबेबली द फाइनल रिपोर्ट विल बी आफ्टर आफ्टर द रिपोर्ट फ्रॉम द फोरेंसिक लैब या पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। तो जब वो रिपोर्ट आ जाएगी आपको केमिकल एग्जामिनेशन की और यूरिन ब्लड की, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर तो कोई पॉइजन नहीं था, तो इसका मतलब यही है कि इसकी इंजरी जो है इसी गोलियों की वजह से ही हुई। तो फिर आप इसका एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो दे देंगे पुलिस को साइन करने के बाद अपना, और फिर ये जो चीज है ना ये जाती है कोर्ट में, फिर वहां से लॉ वाला आपका चैप्टर शुरू हो जाता है कि लॉ में आपको कोर्ट में बुलाएंगे, एविडेंस एक्सेट्रा, और एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। खैर ये था आज का ऑटोप्सी का टॉपिक, आधा रह गया, कल वाला जरा इंपॉर्टेंट है लेक्चर, वो आपने लाजमी लेना है। अच्छा मुझे आप ये बता रहे हैं जो निस्टेरियंस हैं कल भी उनकी क्या होता है असेसमेंट है या फिर
7:30 का टाइम कल ठीक नहीं रहेगा या फिर कल भी इसी टाइम कीजिए, मुझे ये बताते हैं। और किसी का कोई सवाल है, कुछ भी समझना आई हो आज में, आज हमने ऑटोप्सी, ऑटोप्सी टाइप्स, ऑटोप्सी रूम में क्या क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हैजर्ड्स क्या क्या हैं, और प्रोसीजर पढ़े। तो कल सबके लिए फिजिबल है, कल हम 7:30 रख लें या यही टाइम रख लें? मेरे लिए वैसे दोनों टाइम जो है वो फिजिबल है, मुझे कोई मसला नहीं। चलें कल इंशाल्लाह 7:30 भी लेक्चर होगा। अच्छा, अब किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें, सवाल इसके अंदर से कुछ समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट को मैं रिपीट करना हो अगर तो वो बता दें। कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ गई है, कुछ समझ नहीं है किसी को? आज वाला तो वैसे आसान ही था, इतना मुश्किल तो नहीं था। चलें सही हो गया, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया। चलें थैंक यू सो मच, हाफिज। मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर ये जो है इंशाल्लाह।